मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्
Ram 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 Ram
गुरु श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ईश्वर के प्रति जो प्रीति का प्रवाह है उसी को भक्ति बोलते हैं।
और ये प्रवाह तभी हो सकता है जब ईश्वर के साथ अपने संबंधों का हमको अनुभव हो। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, परमात्मा के साथ हमारा नैसर्गिक संबंध है, हमें संबंध जोड़ना नहीं होता, बनाना नहीं होता, बल्कि जो पहले से संबंध है उसको अनुभव करना होता है। यह भी एक प्रकार का रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन का मतलब होता है जो चीज पहले से है उसको पहचान लेना। कोई व्यक्ति हमारा पहले से हितैषी है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, एक दिन ध्यान गया, बोलते हैं नाउ आई रियलाइज ही हैज बीन हेल्पिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, नाउ आई रियलाइज। इसका मतलब नहीं है कि उस क्षण से वो हितैषी हुआ, नो, वह बहुत दिनों से हमारा हित साधन कर रहा था, हमारा हितैषी था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने पहचाना नहीं। वेदांत के क्षेत्र में भी रियलाइजेशन का यही अर्थ होता है। जो पहले से ही आत्मा है और अनुभव में आती है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी पहचान नहीं होती। कोई व्यक्ति कुटिल है, आपके साथ रह करके धोखा देता है, लेकिन एक समय विशेष में हम पहचानते हैं, नाउ आई रियलाइज। तो ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो है, लेकिन उसके होने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम उसको पहचाने, उसको अनुभव करें, और जितनी प्रगाढ़ता से अनुभव करेंगे भावना का प्रवाह उतना ही प्रगाढ़ होगा, और जितनी प्रगाढ़ता से भावना का प्रवाह होगा रसानुभूति, जिसको भक्ति का अपूर्व रस बोलते हैं, अमृत रस बोलते हैं, वह रसानुभूति उतनी ही गहरी होती है। ईश्वर के साथ संबंध का जितना गहरा अनुभव हम करें कर सकें, निश्चिंतता का स्तर उतना ही गहरा होता है। क्योंकि व्यक्ति आज यदि निश्चिंत नहीं है तो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अपने को कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, बेसहारा अनुभव करता है, और जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना किसी सहारे के निश्चिंत हो जाए, ये नहीं हो सकता। जीव के सामर्थ्य के बाहर की चीज है ये, ध्यान रखिएगा मैं जीव शब्द बोल रहा हूं। वो झूठ का सहारा ले लेगा, ईश्वर का नहीं लेगा तो झूठ का ले लेगा, लेकिन वो बेसहारा नहीं रह सकता। वो छल का सहारा ले लेगा, वो अपने पुरुषार्थ का कर्म का सहारा ले लेगा, है ना, संबंध का सहारा ले लेगा, संपत्ति का सहारा ले लेगा, पद का, ध्यान रखना ये भी तो सहारा ही है ना। बेसहारा जीव हो वो तो मारे चिंता के मर जाएगा। बेसहारे जीव की कोई स्थिति नहीं होती। तो जिसका आश्रय तत्व प्रबल है, है ना, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम्, जिसका सहारा पक्का है, और वो पक्का सहारा जीव का एक ही है, ये हिलते हुए सहारों से हम स्थिर होना चाहते हैं तो वो तो संभव नहीं है। संपत्ति का सहारा, संपत्ति स्वयं हिलती हुई चीज है, संबंध का सहारा, वो स्वयं उतरता चढ़ता रहता है,
दुनिया में जितने भी संबंध हैं उनकी कहानी यह है कि वो एक रस नहीं रह सकते, यह असंभव है, सबका अनुभव है। तो सहारा तो चाहिए ही चाहिए, इस बात को मान लीजिए, अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तथाकथित नास्तिक लोग, तथाकथित बोल रहा हूं मैं, ये लोग बेसहारा थोड़े होते हैं। ईश्वर का सहारा छोड़ के दुनिया भर का सहारा लेंगे, हो सकता है तो झूठ और छल का भी ले लेंगे और कहेंगे हम तो मजबूत हैं। वाह। जीव अपना संबंध ईश्वर के साथ जितना गहरा अनुभव करे बस उतना निश्चिंत है, उतना फकीरी है उसके जीवन में, उतना वो बेफिकर है। बड़े बड़े महात्मा लोग जो हमारे लिए प्रकाश दीप की तरह से, प्रकाश स्तंभ की तरह से हैं, है ना, उन लोगों की बेफिक्री का, उनकी निश्चिंतता का राज क्या है? वो सब चीज जेब में लेके नहीं घूमते, एक चीज जेब में लेके घूमते हैं, उसका नाम है ईश्वर। वो उनके जेब में है। दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई। ये है सूफी। दिल में बसती है तस्वीरें यार, वो एक चीज को ही जेब में लेके घूमते हैं। बड़ी चीज है, बड़ी ज्यादा कीमती है, और क्रेडिट कार्ड भी अगर आज लेकर के घूमेंगे तो हर जगह बैंक थोड़ा मिलेगा है? कोई कोई ऐसी जगह है जहां दुकान भी नहीं मिलेगी। बैंक की तो बात छोड़िए, वहां किसका सहारा लें? इसलिए नाता जोड़ो नहीं, नाता अनुभव करो। भगवान ने कहा देखो जी, मेरा नाता तुम्हारा एक ही है, जाति पाति का तो हो नहीं सकता, धन बल का हो नहीं सकता, गुण का चतुराई का हो नहीं सकता, वो तुम्हारा हमारा कोई मैच ही नहीं बैठता है फिर। तो हमारा तुम्हारा एक ही रिश्ता हो सकता है, मानव एक भगति कर नाता। ये भक्ति का आधार बनाओ तो अपना नाता अनुभव में आएगा। ध्यान रखना, यह भक्ति सिद्धा नहीं है, यह साधनात्मिका है। जिस व्यक्ति से नाता की अनुभूति होती है, जिस भक्ति से संबंध की अनुभूति होती है, उस भक्ति को हम साधन भक्ति बोलते हैं। और नाता की अनुभूति होने के बाद जो निश्चिंतता, जो भाव प्रवाह, जो रसानुभूति होती है, वो सिद्धा भक्ति। भक्ति के दो रूप हैं, एक तो साधन भक्ति बोलते हैं, दूसरा सिद्धा भक्ति बोलते हैं। तुलसीदास जी भक्त हैं, हनुमान जी महाराज भक्त हैं, लेकिन फिर भी भक्ति मांगते हैं। तो जब तुम्हारे पास है तो क्यों मांगते हो, ये तो प्रश्न आता ही आता है। नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ। अरे कोई और इच्छा ही नहीं है, तुलसीदास जी भगवान के सामने खड़े होके बोलते हैं। न अन्या स्पृहा अस्मदीय हृदय, अन्या स्पृहा नास्त्येव, अहम सत्यम वदामि कस्मात् भवान अखिलांतरात्मा, आपसे झूठ बोल भी नहीं सकते, अखिलांतरात्मा। सत्यम वदामि, कुछ और इच्छा नहीं है, केवल आप ही चाहिए ऐसा मेरा मन कहता है, तो भक्ति हो गई। बोले नहीं, अभी चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ, साधन भक्ति से संतोष नहीं होता ना, सिद्धा भक्ति चाहिए। कौन सी भक्ति मांगते हैं?
भक्तिम प्रयच्छरगुपंगव निर्भराम में, ऐसी भक्ति दो कि मैं पूरी तरह से निर्भर हो जाऊं, अन्याश्रय छूट जाए। अभी भक्ति भी करते हैं, फिर थोड़ा बैंक का भी आश्रय है, थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस का भी आश्रय है, क्योंकि ये भगवान भी योगक्षेम कहते हैं और वो भी कहते हैं, दो दो वादा करने वाले हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। अब किसकी बात माने, तो हम लोग मध्य मार्गी हैं, दोनों की मान लेते हैं। अन्याश्रयाणाम त्यागः, निर्भरा भक्ति का अभिप्राय है जब दूसरा आश्रय मन से छूट जाए। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस, देखना, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो तजहु जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई, जो दूसरी जगह मेरी आशा अटकी हुई है, दूसरी जगह मेरे विश्वास अटका हुआ है, जो दूसरी जगह मेरा भरोसा अटका हुआ है, वो मेरी जड़ता है, तजहूं वो मुझसे छूट जाए। यह विनती रघुवीर गोसाई, तो मेरी मेहनत से नहीं छूटता है, मैं क्या करूं। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं, यह कृपा साध्य है। साधना तो मैं कर चुका, मर चुका उसको कर करके। गोस्वामी जी मांगते हैं, मैं अब विनती करता हूं थक के। यह विनती हक से नहीं मांगता, विनती से मांगता हूं। यह विनती रघुवीर गोसाई, कैसे बने संबंधानुभूति प्रगाढ़, कैसे होवे, कहां से शुरू करें भक्ति की साधना, रास्ता कहां से शुरू होता है, प्रवेश द्वार क्या है। बोलते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, ये हमारा सिंह द्वार है भक्ति के शांति महल में प्रवेश करने के लिए, जहां भक्ति माता की रसमयी शांतिमयी स्निग्ध मूर्ति विराजमान है, उस महल में प्रवेश करने के लिए सिंहद्वार क्या। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संगति, यहां से प्रवेश करो। साधकों को कई बार प्रश्न होता है कि ठीक है जी, आई एम ए बिगिनर, कहां से शुरू करें। एक सिस्टमेटिक आरंभ होना चाहिए, तो कहां से शुरू करें। हमारे वेदांत की साधना में, भक्ति की साधना में, दोनों साधना में सत्संग ही वो प्रवेश द्वार है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। शुरू कहां से किया, सत्संगत्वे, पहुंचे कहां, जीवन मुक्ति। देखो तो यात्रा का प्रथम प्रवेश सत्संग है। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम, कर्मस्वनुष्ठीयताम। तो पहले वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्फ, उसका मतलब केवल इतना होता है। वेदो नित्यम अधीयताम माने रोज वेद पाठ करो, ये शाब्दिक अर्थ है। लक्षणा क्या है उसकी, आप अपने को शिक्षित करो और उस शिक्षा के अनुसार, उस समझ के अनुसार स्वधर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान करो। बिना समझे अगर कर्म का अनुष्ठान करेंगे वो गलती हो जाएगी।
हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए पहली जगह जो है वो है सत्संग की, भक्ति का आरंभ वहां से होता। आप अनुभव करते ही होंगे, मेरा भी अनुभव है, सत्संग ऐसी जगह है जहां पर साध्य के स्वरूप के बारे में सुनने को मिलता है, जहां पर साधन के स्वरूप के बारे में सुनने को मिलता है। मेरे लिए, मैं जिस जगह पे अभी हूं, मेरे लिए कौन सा साधन उपयुक्त है यह समझने का अवसर मिलता है कि मैं अगर राजसिक व्यक्ति हूं तो मेरे लिए ध्यान की साधना इतनी अच्छी नहीं बैठेगी, यह समझ में आ जाता है। मेरे भीतर अगर कर्तृत्व भाव प्रबल है और मैं केवल ज्ञान मार्ग पे चलूं तो यह बात बनेगी नहीं, पहले कर्तृत्व को शिथिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो कर्मयोग की साधना मेरे लिए पहली जरूरत है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रबल हो और आदमी निवृत्ति ले ले तो निवृत्ति तो लेगा, जाएगा गंगोत्री, लेकिन वहां फिर चंचल हो जाएगा। वो गंगोत्री में फिर जो लोगों की शांति है वो डिस्टर्ब होगी। वो फैक्ट्री वाला गंगोत्री में जाएगा, अगर उसमें वासना है तो वहां फैक्ट्री जरूर लगाएगा, चाहे वो पानी की ही लगा दे। नहीं लगाते लोग भाई, उसके लिए हिमालय भी एक रॉ मटेरियल दिखाई देता है। अरे व्हाट ए बढ़िया। इसलिए हमारे अधिकार के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी वासना के अनुसार कौन सी साधना बनती है, इसका चुनाव और इसकी समझ कहां होगी? सत्संग में ही होगी और कहां होगी? अगर किसी का कर्तृत्व शिथिल हो गया है, भोक्तृत्व शिथिल हो गया है, चित्त में शांति रहती है और वो व्यक्ति फिर से अपने को बार बार विक्षिप्त करता है, वो गलती कर रहा है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढः तदा उच्यते। जब कोई संकल्प मन में उठता नहीं है तब समझना चाहिए यस, मेरी निवृत्ति का समय उठ गया है, आ गया है। लेकिन संकल्प रोज उठते हैं, ऐसा हो जाता, तो हिमालय को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, देन अहमदाबाद ज्यादा ठीक जगह है। हमारे रजस को एक आउटलेट चाहिए, उसको बंद मत करो नहीं तो तोड़ के निकल जाएगा, है ना। सत्संग मैंने इसलिए कहा, साधन का स्वरूप। अब हमारे भीतर तामसी की स्थिति है और हम ध्यान करें, वाह, तमक प्रधान जीवन हो और ध्यान की साधना करें, बैठेंगे जरा मन से बैठेंगे, फिर शाल वाल भी ओढ़ते हैं लोग, मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल, अच्छा जी हो गया कंफर्टेबल, सीधे बैठो, सीधे भी बैठे, उसके बाद धीरे से यू नो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, फिर धीरे बाद धीरे धीरे हमारे ध्यान की स्थिति का पता लोगों को लगता है ध्वनि से। अदर पीपल विल कम टू नो कि हाँ ध्यान लग गया है। तामसिक स्थिति हो है और ध्यान की साधना, शास्त्र कहता है तमस की स्थिति हो तो सेवा करो, कर्मयोग भी नहीं कहा, कर्मयोग राजसिक के लिए, तामसिक के लिए सेवा कहा। न
मैंने इसका रहस्य पहचाना है जब गुरुदेव की सेवा में थोड़ा रहने का सौभाग्य मिला। सेवा में हमारी मर्जी ही नहीं होती, तो हमारा मन भले ही सोने का कर रहा हो, हमारा मन भले ही लेटने का करता हो या प्रमाद, लेकिन अब जिम्मेदारी है ना, जिसकी सेवा में है तो सबते सेवक धर्म कठोरा। वो तो अगर आधी रात को सोएंगे तो सुला के ही सोना पड़ेगा, और वो 7 बजे कभी कभी बैठ जाते थे तो जाना ही पड़ेगा। दिन भर जैसे जहां उनकी इच्छा हुई चलना है चलो, सेवा का ये रहस्य है। हमारे यहां लोगों ने जातिवाद को इतना बढ़ा दिया, जाति व्यवस्था नहीं जातिवाद। तम प्रधान अगर मैं हूं तो मैं शूद्र स्थिति में हूं आंतरिक रूप से, उसके लिए साधना क्या बताई, सेवा, और उसके अलावा कोई साधना हो नहीं सकती। तामसिक व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ा नहीं जा सकता कि तो जब तुम्हारा मन करे तब कर्म करना, वो मन करेगा ही नहीं कभी। मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल, वो यही कहेगा कि मैं तो ध्यान की साधना करूंगा, दैट सूट्स मी। साधना की दृष्टि से ही यह व्यवस्था बनाई गई कि तमस से संक्रमण करके रजस में जाने के लिए आपको सेवा की जरूरत है। आप किसी के सेवक बन जाओ, मर के भी करना पड़ेगा, धीरे 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 करके तमस की धुलाई हो जाएगी, है ना। यहां तक कहा सकाम कर्म साधना है, किसके लिए, जो सोता है, माने प्रमादी जीवन है तो सकाम कर्म कम से कम हमको रजस में तो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। बी एम्बिशियस, ऐश्वर्यवान बनो, उसका एम्बिशन फायर अप करते हैं लोग। वेदों में इस तरह के मंत्र आते हैं जैसे लगता है कि कितने सकाम है। ये नमकम चमकम जब पढ़ते हैं हम रुद्री तो लगता है इतनी तो कामना हमारे भीतर है भी नहीं। चमे 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 चमे, हाँ वो आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं पता नहीं, ध्यान दिया होगा तो ये मेरे को होवे, ये मेरे को होवे, ये मेरे को होवे, उसका ये मतलब है। पशुन चमे वित्तन चमे, ये सब मेरे को होवे। वेद भगवान आपको सकाम बनाने के लिए बोलते हैं, फायर अप करते हैं। तो एक बार रजस में आ गए तब कहते हैं भाई फलाग्रह छोड़ दो, तब सकाम नहीं, कर्म योग का। एक गुण से दूसरे गुण में, दूसरे गुण से तीसरे गुण में जो संक्रांति है उसकी एक पद्धति है ना, और गुणों से गुणातीत में जो संक्रांति है उसकी एक पद्धति है। हम तो सीधे छलांग लगाएंगे। एक सज्जन, कहां की बात है, राजकोट या कहां की, 3-4 साल 5 साल पहले आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे एक पंथ है मेरा, हमने कहा क्या नाम है उसका, बोले लिफ्ट मार्क है वो। हमने कहा अरे यार ये तो कुछ नया ही सुन रहा हूं। तो मैंने कहा कि विल यू एक्सप्लेन दिस, तो बोले नहीं हमारा केवल ये पंथ ये कहता है कि आप गुरु की शरण में चले जाओ एंड इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग। हमने कहा ये तो गुरु आपका बड़ा सेवक है, जनरली शिष्य को सेवा करनी चाहिए। बोले नहीं इट इज लाइक यू जस्ट, आप लिफ्ट में एक बार प्रवेश कर जाओ, आपका इतना ही काम है, बड़े शांति से बोल रहे थे, और स्विच ऑन कर दो, दैट्स ऑल, आपका इतना ही काम है ना, बाकी तो ले ही जाता है। अपने गुरु को लिफ्ट बना दिया। कहा मेरे को किसी कोई हो तो बुरा नहीं माने, क्या है आजकल दुनिया में रोज नए मार्ग निकलते हैं, एक सनातन मार्ग ही बेचारा इधर उधर हो जाता है। तुलसीदास जी ने पहले ही उसके लिए कहा
लुप्त हो ही सद ग्रंथ, नष्ट हो ही मत बोलना कभी, वो कभी नहीं होगा नष्ट, वो तो सनातन है ना। लेकिन हाँ, लोप जरूर हो जाता है कभी कभी इधर उधर इतने घटाटोप के कारण। तो एक पूरी वैज्ञानिक साधना पद्धति है, और मेरे लिए मेरी स्थिति में मेरे स्वधर्म के अनुसार कौन सा साधन उचित होगा, कौन सा साधन अनुचित होगा, नारायण ये मालूम कहां पड़ेगा, उसके लिए जगह कौन सी है, बोले सत्संग। तो साधन का स्वरूप कहां से शुरू करें, बोले आप पहले समझो, कहां समझें, सत्संग में जाया करो, केवल सुनो, और कोई साधना नहीं है, जितना समझ में आए उतना अच्छा, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। बोले महाराज इससे क्या होगा, ये भक्ति है, हम लोग जो यहां बैठे हैं सत्संग में वो सत्संग नहीं कर रहे हैं, राम जी क्या बोलते हैं, यह भक्ति है प्रथम भगति, हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के शब्दों में प्रथम भगति संतन कर संगा। साध्य का स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है, ये कहां पता लगेगा, तो सत्संग में ही पता लगता है। ईश्वर से अपने आप को संबंधित करने के लिए वी हैव टू हैव एन इमेज ऑफ हिज, नहीं हम जितने आस्तिक लोग हैं, आस्तिक लोग बोल रहा हूं, हम जितने आस्तिक लोग हैं, हम सबके मन में ईश्वर की एक आधी अधूरी तस्वीर बसती है, जानबूझ के बोल रहा हूं आधी अधूरी तस्वीर बनाता हूं, क्या तस्वीर नहीं बनती, हाँ। वो सच बात है, ये जो हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं भगवान की, क्या पूरी है तस्वीर, पता नहीं, तो आधी अधूरी तस्वीर है, इमेज है, बिंब है, छवि है ईश्वर की, जो मर्जी कहिए कॉन्सेप्ट है ईश्वर की, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपने हृदय की जो छवि है, जो इमेज है ईश्वर की, उसी के प्रति आस्थावान है, गलत तो नहीं कहा ना, हमारी आस्था का विषय वही है, और इसीलिए हमारे हृदय का ईश्वर अलग। और अगर आपके हृदय में इमेज अलग है तो आपका ईश्वर अलग, ईश्वर तो एक ही होगा ना, लेकिन ईश्वर को लेके जो झगड़े होते हैं वो इस तस्वीर के कारण होते हैं, और ईश्वर को लेकर के जो भावना बहती है, हम किस ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो हमारे भीतर उसकी छवि है उसी से प्रेम करते हैं। अच्छा वो छवि कैसे बनेगी, लोग कहते हैं महाराज ईश्वर को देखा नहीं, सुना नहीं, उससे बात नहीं कही, उससे मिला नहीं, तो उसके प्रति इमोशंस कैसे जगेंगे, तो ठीक बात है, जेन्युइन प्रश्न है। कितने लोगों ने गांधी जी को देखा है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, बट आई हैव गॉट एन इमोशन टुवर्ड्स हिम, गांधी जी के लिए मेरे मन में एक भावना है, देखा तो नहीं, बात तो नहीं की, मिले नहीं, फिर ये भावना उनके प्रति क्यों हुई, कि मेरे मन में एक इमेज तो है उनकी, कहां से आई, सुन के पढ़ के। तो जब एक व्यक्ति की इमेज बन सकती है तो फिर लॉ तो एक ही होना चाहिए ना। तो आप क्या समझते हो कि गांधी जी की इमेज जो हमारे मन में है